सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे सुजुकी जिक्सर SF 150cc की बाइक है और इसका कुछ एडवांटेज बताएंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी बताएंगे कि आपको लेना बत होगा कि नहीं। तो मिलते हैं गाड़ी के ओनर से और बात करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक को अभी से पहले चलाकर। तो एक चीज पहले बता देना चाहेंगे आपको कि ये बाइक लगभग हम लोग को एक साल से ऊपर हो चुका है इनको लिए हुए, तो एक साल के बाद ही आपको बता रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा अभी इससे पहले। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। सबसे पहले बाइक में क्या देखते हैं, लुक को देखते हैं, माइलेज देखते हैं, बजट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक। जो इस बाइक का लुक है वो बहुत ही कमाल का है। मतलब 150cc में यार, एक तो फेयरिंग बाइक है और मुझे यार बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस बाइक को बाइक किया। दूसरा चीज़ है बजट। तो इस बाइक का जो बजट है वो 147,000 पड़ा मुझे, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स बाइक के मुकाबले में बहुत ही कम बजट है यार, मुझे बहुत पसंद है। 147,000 रुपया 2021 में, अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा 4-5 हज़ार, तो आप देख सकते हो। तीसरा चीज़ है माइलेज। तो यार माइलेज अभी तक मुझे, सोलो राइडिंग किया मैंने, पिलियन के साथ भी किया राइड, तो मुझे सोलो राइड में जो मुझे माइलेज देखने को मिला वो था करीब 45+, मतलब एग्जैक्ट बताए तो 47 मुझे मिलता है अभी भी माइलेज, क्योंकि इसका स्पीड मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप लोग तेज चलाओगे तो माइलेज नहीं मिलेगा, तेज चलाओगे तो कितना का मिलेगा, 40 मिलेगा, उससे कम मिलेगा। अगर आप लोग मेंटेन करके स्पीड चलाते हो 40 से 60 में, तो आपको माइलेज आपको ये करीब 45+ तो दे ही देगा भाई, एग्जैक्ट है। अच्छा, तो इसका मैंने माइलेज काफी अच्छा है आपका कहने का मतलब। हाँ, माइलेज अच्छा और गाड़ी को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके रखे हैं। हाँ भाई। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। गाड़ी का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है, तो पूछते हैं इसमें इनको क्या प्रॉब्लम फेस आया अभी तक। पहले ABS की बात करते हैं। तो जो फ्रंट में ABS है, इतना पैसा मैंने खर्चा किया है तो यार बैंक में भी दे देता है भाई ABS, तो क्या दिक्कत था मतलब। तो और दूसरा चीज ये है कि जब भी हम लोग बाइक गड्ढे में ले जाते हैं तो इसका ABS एक टूल बॉक्स है इसका, कहीं पे झन झन करके आवाज आता है। ये आप लोगों ने भी फेस किया होगा इस प्रॉब्लम को, तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने इसको मेंटेन करके रखा है। और दूसरा चीज, एक और प्रॉब्लम है कि इसका जो मिरर है वो मैंने चेंज करवा दिया, क्योंकि इसका जो मिरर है वो ना बार बार ढीला हो जाता था। कंपनी जो नट बोल्ट देता है वो ढीला ही देता है, पता नहीं क्यों बार बार ढीला हो जाता था यार, तो मैंने वो उतना ज्यादा सूट नहीं करता था, तो मैंने इसका मिरर ही चेंज कर दिया, तो अभी और अच्छा हो गया। तो ज्यादा डिस्मांड नहीं है और सब सही है इस बाइक। इसका प्राइस है 2021 में 147,000। अभी 2022 चल रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस हो गया होगा, तो एक बार आप गूगल कर लेना, वरना आप कमेंट में पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और जल्दी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो टेक केयर एंड बाय बाय।